का मोस्ट अवेटेड क्रूजर बाइक था 650 cc का, और ये हमारा 650 cc में पहले GT कॉन्टिनेंटल और उसके बाद इंटरसेप्टर आता था, सेम प्लेटफॉर्म पे ये बना है। वो राइडर कैफे गाड़ी था रेस, और ये हमारा क्रूजर बाइक है, मोस्ट अवेटेड बाइक ऑफ रॉयल एनफील्ड। क्या एक शोरूम प्राइस है और पटना वासियों क्या कुछ? एक शोरूम प्राइस हमारा है 348,900, एक शोरूम प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस है हमारा जो एक शोरूम प्राइस है। और युवाओं को क्या कुछ नया मिलने को जा रहा है? ये पूरा का पूरा बाइक ही युवा है, युवाओं के लिए ही तो है ही, जो इनको क्रूज है, जिनको लॉन्ग राइड पे जाना है, जिनको एकदम बेस्ट सिटिंग कंफर्ट चाहिए, जिनको पावरफुल चाहिए, इन शॉर्ट बिग बॉय टॉयज है। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूँ आपके साथ अमित खत्री। रॉयल फील्ड के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है। भारत समेत यूरोप में आज से लॉन्च कर दिया गया है सुपर मेटर 650। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सुधीर ऑटोमोबाइल में आज इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम तरह फीचर्स के साथ, एक अलग ही कंफर्ट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। इसकी अलग ही हेडलाइट है, तमाम तरह के फीचर्स इसमें दिखाए गए हैं युवाओं के लिए। हम बात करेंगे जनरल मैनेजर से भी कि किस तरह की इसमें फैसिलिटी है, किस तरह से बच्चों को, युवाओं को इनसे सुविधा मिलेगी, राइडर को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा। सर, किस तरह का ये लॉन्च किया गया पहले बताएं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक प्योर क्रूज़र है। प्योर क्रूज़र मोटरसाइकिल का मतलब होता है कि बस आप हाईवे पे बिना हॉल्ट लिए आप कंफर्टेबल जा, मतलब चलते चले जाएं। इसका जो लेड बैक और रिक्लाइंड राइडिंग पोजीशन है, ये इस मोटरसाइकिल को काफ़ी खास बनाता है। साथ ही इसका जो आवर ग्लास डिज़ाइन, आवर ग्लास तो समझते होंगे ना, जो सैंड वाला जो ग्लास होता है, उस डिज़ाइन का इसका इसमें मोटरसाइकिल का किया है। जैसे देखिए, ब्रॉड वेस्ट है, बड़ा फ्यूल टैंक है, 15.7 लीटर का फ्यूल टैंक है, 3.1 लीटर रिजर्व है। इसका मतलब है कि 300 किलोमीटर का राइडिंग रेंज आपको मिलता है। एक बार लगे मतलब फ्यूल फुल कीजिए और 300 किलोमीटर तक बिना रुके आप चला सकते हैं। नैरो वेस्ट किया गया है, सीट हाइट भी आपको 740 mm तक ही है। हर कद काठी के लोगों के लिए आरामदायक है, ये इजीली एक्सेसिबल है। पीछे का अगर बात करें तो टेल लैंप आपको LED मिल रहा है, पीछे काफ़ी अच्छा एल्यूमिनेशन मिलता है, पीछे जो कोई भी होगा आपको दूर से ही स्पॉट कर सकता है। और फर्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड में LED हेडलैम्प का भी यूज़ किया गया है इसमें। उसका जो हेडलैम्प का पोजिशनिंग है वो हैलो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको नाइट में भी सुपर विजिबिलिटी देता है। अगर इसका इंजन का बात करें तो इंजन इसमें आपको प्रोवेन, जो हमारा 650 में इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT का इंजन है, सेम इंजन इसमें यूज़ किया गया। साथ ही इसमें एक और खासियत दिया गया है, वो स्लिप असिस्ट क्लच का। स्लिप असिस्ट क्लच का मतलब है कि जो ऑल ऑफ ए सडन अगर हम लोग 60-70 के स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे हैं और गलती से भी अगर शिफ्ट हो जाता है एक नंबर पे गियर, तो एक बैक टॉक प्रोड्यूस होता है, जिससे कि एक्सीडेंट का भी चांसेस हो जाता है, क्योंकि चक्का जो है ना आपका लॉक हो जाता है उसमें। तो वो आपको स्लिप असिस्ट क्लच नहीं होने देगा। ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर्स है। ग्राउंड अगर माइलेज की बात कर लिया जाए तो क्या माइलेज क्या देने जा रहा है? और 22 किलोमीटर पर लीटर 650 इंजन के साथ बेहतरीन है। अगर आप दूसरे ब्रांड से, हालांकि हम लोग कंपेरिजन नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ही बेहतरीन है। 650 cc का इंजन आपको 22 किलोमीटर पर लीटर आपको हाईवे पे ये मोटरसाइकिल। ब्रेक की क्या, ब्रेक किस तरह का है? ब्रेक इसमें आपको सबसे बड़ा दिया गया है। अगर डिस्क प्लेट का बात करें तो फ्रंट में 320 mm का डिस्क प्लेट है और पीछे में रेयर में आपको 300 mm का डिस्क प्लेट है। ड्यूल चैनल ABS तो है ही। जो टायर्स की जो बात के लिए जाता है, चूंकि जब राइड करते हैं लोग तो टायर पे ज़्यादा देखा जाता है कि कहाँ पे ग्रिप है, ब्रेक मारते के साथ वो रुक जाए, तो किस तरह के टायर की बात है? मैंने पहले बताया इसमें आपको ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से ये मोटरसाइकिल लेस है, ड्यूल चैनल ABS है। साथ ही इसका जो टायर है वो प्योरली ट्यूबलेस है, कास्टेड एलॉय व्हील के साथ, मतलब फैक्ट्री फिटेड एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस है। पंचर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 8 से 10 किलोमीटर आप आराम से इस गाड़ी को कैरी कर सकते हैं चला के। उसके अलावा इसमें जो फ्रंट व्हील है वो 19 इंच का है, जो आपको टायर की चौड़ाई है वो 100 mm का सैंक्शन विथ है। पीछे का आपको 16 इंच का व्हील साइज है, वो भी कास्टेड एलॉय व्हील के साथ, और उसका जो टायर का साइज है जो अभी तक का सबसे बड़ा 150 mm का सैंक्शन विथ है, जो आपको रोड पे बेटर ग्रिप भी देता है और बैलेंसिंग भी बहुत अच्छा रहता है। तो और हटके क्या मिलने जा रहा है लोगों को कुछ नया? जैसे 650 और भी बहुत सारी बाइक्स हैं, तो इसमें कुछ नया, कुछ दो चार पॉइंट्स?
सर देखिए, इसमें जो नया बात है वो मैं एक एक करके बताया भी हूँ। इसका लुक के बारे में मैंने बताया कि लुक इसका आवर ग्लास डिज़ाइन है, रिक्लाइन लेड बैक राइडिंग पोजीशन है, फ्रंट का जो आपको हैंडल बार है वो अपलिफ्ट किया गया है, और फ्रंट फुट पे मतलब जो आप देखें ना पैर जिस पे रखते हैं जहाँ पे ब्रेक कंट्रोल होता है और गियर शिफ्ट कंट्रोल होता है वो भी फ्रंट के साइड में दिया गया है। मतलब एकदम आपको लगेगा कि आप मोटरसाइकिल पे नहीं एक लॉन्जिंग चेयर पे बैठे हुए हैं, इतना कंफर्टेबल है इसमें। साथ ही अगर नया चीज़ का बात करें तो इसमें एक नया चीज़ दिया है कि आपको साइड पैनल में USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। मतलब कि अगर आपका अगर मोटरसाइकिल चलाते चलाते मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है तो डिस्चार्ज होने के बाद आपको कहीं रुकना नहीं है, साइड पैनल में आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, एक वायर कैरी कीजिए, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर। प्राइस क्या मिलने जा रहा है? 3,48,900 से एक शोरूम प्राइस स्टार्ट है इस मोटरसाइकिल। 7 करोड़ में इसको लाया, लॉन्च किया गया। जी जी, 3 वेरियंट है, एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और सेलेस्टियल, जिसमें आपको ओवरऑल 7 कलर्स हैं। जो सेलेस्टियल है वो स्पेशल, उसको टूरर मोटरसाइकिल, टूरर सेगमेंट के लिए मोटरसाइकिल है। उसमें जो चेंजेस है वो है आपको फ्लाई स्क्रीन का, एक आपको विंडशील्ड मिलेगा, जो सीट है वो आपको टूरिंग सीट मिलेगा, और एक बैक रेस्ट भी आपको फैक्ट्री फिटेड मिलेगा। आपको फैक्ट्री फिटेड मिल रहा है, काफ़ी आजकल ये डिमांड में है क्योंकि ये जल्दी मिल नहीं रहा है ड्यू टू सेमी कंडक्टर चिप का शॉर्टेज की वजह से। तो ये ट्रिपल नेविगेशन कुछ नहीं है, बस आप अपने रॉयल इनफील्ड के ऐप से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे इसमें ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए, देन आफ्टर आप कहीं भी जाना, मान के चलिए आपको स्टेशन का रास्ता नहीं पता है और वहीं जाना है, तो आप उस ऐप में स्टेशन का मैप लोकेट कर दीजिए, आपको ये सही से बताएगा कि कहाँ कहाँ के। गूगल मैप का भी काम कर। यस यस, ट्रिपल नेविगेशन ये गूगल के थ्रू ही रन करता है, आप इससे ईजिली डायरेक्शन देख सकते हैं। तो ये लॉन्च हुई है 650 मेंटर, युवाओं को काफ़ी भाव ही रहा है, क्योंकि आज कई लोग भी यहाँ पहुँचे थे सुधीर ऑटोमोबाइल में इसे देखने के लिए लॉन्चिंग के समय, काफ़ी फीचर्स के साथ, जैसा कि इन्होंने बताया हमारे मैनेजर ने किस तरह का इसमें फीचर्स लगाई गई है, और इस नए फीचर्स के साथ बिहार और भारतवासियों को एक नया आयाम, एक नया चीज़ देखने को मिलने जा रहा है इस बार रॉयल इनफील्ड के दीवानों को लेकर, तमाम तरह के फीचर्स के साथ, और मात्र 3.5 लाख से ही इसकी शोरूम प्राइस शुरुआत है। तो अब देखना होगा युवाओं में किस तरह, जिस तरह का जोश है बुलेट को लेकर, रॉयल इनफील्ड के तमाम वर्जन को लेकर, तो देखना होगा किस तरह से इसको लोग लेते हैं और कैसे इसकी मार्केटिंग होती है। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज, पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।